अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी पीके। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर ऑफिसर पेपर व्हिच वाज हेल्ड ऑन 9th जनवरी 2022। सो इसके जो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व किया है, बट इसमें जो पार्ट वन है उसको डिस्कस करेंगे। सो इसकी जो पीडीएफ या क्विज होगा वो मैं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, studypkforum.com। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उन्हें शो भी हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लिंक होगा वो मैं कम्युनिटी टैब में भी दे दूंगा। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फार इलिटरेट फार्मर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज प्रेफर फॉर डाटा कलेक्शन। सो इंटरव्यू स्केड्यूल इसका राइट आंसर था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन विच अकर्स बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमंस इज कॉल्ड इंट्रा पर्सनल, इंटर पर्सनल या एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। सो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर प्लस अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, फॉर एग्जाम्पल फॉरन एक्सचेंज अर्निंग्स, फॉरन एड, फॉरन रेमिटेंस, लोन्स आर कॉल्ड GDP, GNP, NDP और नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट बाय विच अ नेशंस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एक्सीड्स इट्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड सरप्लस। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फाइव, अ मेजर ऑफ एवरेज आउटपुट और रियल आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इसका राइट आंसर था, ये ऑप्शन थे एफिशिएंसी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। सो प्रोडक्टिविटी इसका आंसर था। नेक्स्ट वन इज द अ मार्केट इन विच देर आर फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स ऑफ सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। सो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ओलिगोपोली। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेवन, सिट्रस बिलोंग्स टू विच फैमिली। सो रेक्टिसी इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर एट, द यंग वन ऑफ होलो मेटाबोला इज कॉल्ड द निम्फ नाइड और लार्वे। सो लार्वे इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नाइन, एन अब नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लांट सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम आउटसाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड गॉल। गॉल इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, इंसेक्ट्स विच आर एक्टिव एट नाइट इसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नाउन एज ओपिनियन लीडर्स फैसिलिटेटर अर्ली अडॉप्टर्स इनोवेटर्स और नन ऑफ दीज। सो अर्ली अडॉप्टर्स इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द लाल सुहांड्रा पार्क लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, बहावलपुर, पंजाब। इसका राइट आंसर था पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और नन ऑफ दीज ऑप्शन थे। सो पंजाब इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राइस कैनियन नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, सो उटा, USA। इसका राइट आंसर था, इसके ऑप्शन थे उटा था, एरिजोना था, कैलिफोर्निया था एंड नन ऑफ दीज था। सो उटा इसका राइट आंसर था। ऑल फॉर्म्स ऑफ जर्म्स किल्ड बाय द विच प्रोसेस, स्टरीलाइजेशन, पास्टराइजेशन या एक और ऑप्शन था। सो स्टरीलाइजेशन इसका राइट आंसर था। ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, विच रेफ्रिजरेंट गैस इज कॉमनली यूज्ड इन आवर कंट्री, सो अमोनिया इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17, इरिवर्सिबल चेंज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेवलपमेंट, ग्रोथ या सो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन था। सो ग्रोथ इसका राइट आंसर था, ये ऑप्शन आई थिंक नहीं था। सो ग्रोथ वैसे इसका राइट आंसर था, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज वॉल्यूम वेट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसजेंडर एक्ट कब पास हुआ पाकिस्तान में, किस साल में हुआ, सो 2018 इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए। मैन वॉज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर फाउंड इन चेंज, ये फेमस कोट किस की है, सो रूसेव इसका राइट आंसर था, ऑप्शन में नन ऑफ दीज राइट आंसर था। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इसे क्या कहेंगे, विटी कल्चर कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को।
क्वेश्चन नंबर 21, एंजाइम्स एक्टिविटी इन्फ्लुएंस बाय द ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर था पीएच था, टेम्परेचर था, एक और ऑप्शन था। सो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर था। साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट थ्रू विच मीडियम? सॉलिड इसका राइट आंसर था। ही रोट डैश, सो ही रोट द बेस्ट बुक इसका आंसर था। आ बुक था ऑप्शन में, दी बेस्ट बुक था, इसके अलावा बेस्ट बुक था। सो दी बेस्ट बुक इसका राइट आंसर था। एक स्पेसिफिक किताब के बारे में बात कर रहे हैं, सो आर्टिकल द यहाँ पे आएगा। सो नेक्स्ट वन इज दी 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। 1 बाइट इसका राइट आंसर था। ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है? ये आगरा में लोकेटेड है, आगरा इसका राइट आंसर था। बायोस का एब्रीवेशन बताना था, सो बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इसका एब्रीवेशन था। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 18.9% है। सो 19 दिया हुआ था पेपर में, सो 19 इसका राइट आंसर था। पाकिस्तान फॉरेस्ट का कितना एरिया कवर करता है? सो अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज 4.2 मिलियन हेक्टर बताया हुआ है, बट पेपर में 4.5 दिया हुआ था, 5.5 दिया हुआ था और 6.5 था आई थिंक। सो 4.5 इसका राइट आंसर था, 4.5 मिलियन हेक्टेयर। ब्रोमोजाइनल बिलोंग्स टू विच ग्रुप? सो ये नाइट्राइल ग्रुप से बिलोंग करता है। पेपर में बेंजोइक एसिड था, एक और एसिड बताया हुआ था और एक बेंजो नाइट्राइल का ऑप्शन दिया हुआ था। सो आई थिंक बेंजो नाइट्राइल या नाइट्राइल इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट वन इज दी विच इज दी डिटर्मिनेंट प्लांट्स? सो वीट इसका राइट आंसर था, वीट इज अ डिटर्मिनेंट प्लांट। सो ये 30 क्वेश्चंस हैं, इसको पार्ट वन में डिस्कस किया। जो पार्ट टू होगा उसमें हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर द क्विजेस ऑफ दिस पेपर एंड पीडीएफ ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।